वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि अपने इमाम अपने मौज़िन की इन हालात में तनख्वाह काट ली जाए या तनख्वाह कम कर दी जाए। ये मसला बहुत सारी जगहों से लोग पूछ रहे हैं, आसाम में कई जगहों से ये मसला बंदा से पूछा गया, लेकिन किसी मस्जिद के कमेटी के अफराद ने नहीं मसला पूछा। ये इमाम उलमा ही पूछ रहे हैं, इसलिए उन्हीं के साथ हालात पेश आ रहे हैं। अगर मस्जिद के कमेटी के लोग पूछें जिनको जो काट रहे हैं, तब ना उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। ये बहुत ही अफसोस की बात है। बंदा के सामने ख़ुद एक वाकया पेश आया। हमारे करीब में एक दवाखाना में बंदा भी था, तो एक नमाजी ने कहा, जिम्मेदार मस्जिद के जिम्मेदार थे, कि अभी तो जुमा में चंदा कम हो रहा है, इसलिए इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह ही देनी चाहिए। तो उस जिम्मेदार साहब ने कहा कि नहीं, हम तो पूरी दिए और आइंदा भी यही इरादा है। उन्होंने कहा, नहीं, अभी तो जुमा में चंदा कम हो रहा है, पूरी देने से कैसे चलेगा। तो बंदा ने जिम्मेदार से खिताब करके पूछा कि भाई, मस्जिद के फंड में पैसे हैं? कहाँ हैं? तो मैं कहा, जब पैसे हैं तो चंदा चाहे कम हो रहा हो ज़्यादा, तो उससे क्या मतलब, आपको पूरी देनी चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता मस्जिद के फंड में पैसे न हों, तो फिर कुछ असहाबे खैर हजरात को मुतवज्जे किया जाए कि वो खुसूसी चंदा दें, और आप हम जो है जो भी नमाजी हैं उनको कहा जाए कि चंदा खुसूसी तौर पर दिया जाए, मगर इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह कम न की जाए। और उन साहब को मैंने सुनाकर कहा कि ये कितने अखलाक की गिरावट की बात है कि इन हालात में हमारे दिल में इमाम मुअज्जिन के बारे में ऐसी तंगी आ रही है। तो वो साहब खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। तो ये बहुत अफसोस की बात है। मसला के रूह से भी जाहिर है, अक्सर जगहों में तो इमाम मुअज्जिन साहब अपना काम कर ही रहे हैं, दो तीन आदमी ही के साथ वो तो नमाज पढ़ा रहे हैं, मुअज्जिन साहब अजान दे रहे हैं, और बिलफर्ज़ एक आध जगह कहीं अगर ऐसा है कि इमाम मुअज्जिन नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? ये तो हालात ऐसे हैं, वरना वो तो अपने आप को मस्जिद के लिए वक्फ कर रखे हैं। वो तो कोई दूसरी जगह पकड़े नहीं कि मस्जिद छोड़कर उन्होंने दूसरी नौकरी पकड़ ली, तो लिहाजा मस्जिद वाले उनकी तनख्वाह बंद कर दें। इसलिए ये बहुत अफसोस की बात है, इस तरह अपने इमाम अपने मुअज्जिन के बारे में जो जिन लोगों के दिल में तंगी है, वो जो उनको अपने दिल का इलाज करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये वारिसीन अंबिया हैं, यही हमको अल्लाह से जोड़ने वाले हैं। आज हमारी आंख बंद हो जाए तो यही हमारे लिए दुआए मगफिरत करेंगे, यही जनाजा की नमाज पढ़ाएंगे, और अल्लाह के यहाँ उनको जवाब देना पड़ेगा। ये न सोचे कि आज उनको कुछ इख्तियार मिल गया है और वो एक मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं, मुतवल्ली हैं, तो वो जो चाहें वो कर लें। खुदा के यहाँ जो है इस बद अखलाकी का और इस तंग जरफी का उनको जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल ये बहुत ही अफसोस की बात है, इसलिए तमाम मस्जिद वालों को चाहिए कि अपने इमाम मुअज्जिन की पूरी तनख्वाह दें। अगर जो है जुमा में चंदा कम हो रहा है, तो अस्हाबे खैर हजरात को मुतवज्जे करें कि अभी चंदा कम हो रहा है, इसलिए आप लोग खुसूसी ताउन करें। और अगर मस्जिद में कम हो रहा है, तो आसपास के अड़ोस पड़ोस से जिनसे मुलाकात हो, उससे इस नाम पर जो है चंदा लें, इसलिए कि इन हालात में सदका खैरात निकालना यही तो हमारी मुसीबतों का इलाज है। लिहाजा जो है लोगों को मुतवज्जे किया जाए, मगर ये बिल्कुल न सोचा जाए कि इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह हम काट लें। दिल में अगर उत्साह होगी तो अल्लाह ताला जरूर इंतजाम फरमाएंगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।